जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये ओल्ड जूला ब्रिज था, ये कुछ साल पहले ग्रिफ ने, 52 RCC ग्रिफ ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था फॉर व्हीकुलर मूवमेंट अप टू 5 टन्स। इसीलिए हम पिछले कुछ सालों से इस पर एक एक करके गाड़ी क्रॉस करा रहे थे। उसके बाद हमने ग्रिफ के साथ, NHAI के साथ और बाकी स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ बात करके इसको रिप्लेस करने का प्रपोजल जो है वो टेकअप किया, और ग्रिफ को रिसेंटली ही इसका अप्रूवल मिला है। और जो ये हमारा इस वक्त का एग्जिस्टिंग जूला ब्रिज है, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 240 CLFT, 40R तक का जो हमारा बेली सस्पेंशन ब्रिज है, वो जो है इसमें हम लगाएंगे। कल से इसका डी लॉन्चिंग का काम, जो एग्जिस्टिंग ब्रिज का आप देख रहे हैं, वो चल रहा है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसका डी लॉन्चिंग कम्प्लीट हो जाएगा और इमीडिएट री लॉन्चिंग इसकी शुरू हो जाएगी। ग्रिफ ने ये काम GRSC, एक कोलकाता बेस्ड फर्म है, उसको दिया हुआ है। उसकी मैन पावर की जो पहली ट्रांची है, पहली कंसाइनमेंट है, वो यहाँ पर आई है, पहला पैकेज आया है मैन पावर के लिहाज से। फर्दर इनकी जो है मैन पावर आ रही है, और उनसे हम बात भी कर रहे थे कि जितना जल्दी ये ब्रिज जो है रीलॉन्च हो जाए